नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप जोड़ों और हड्डियों के अंदरूनी दर्द से परेशान हैं और इसके अलावा सेहत की अन्य समस्याओं से भी घिरे हुए हैं, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज हो गया है, अंदरूनी कमजोरी है, शरीर में थकान आलस लगा रहता है, काम करने का मन नहीं करता, पूरे दिन आप थके थके से महसूस करते हैं, तो परेशान बिल्कुल ना होइए। इसका इलाज हमारे पास है। गोंद के इस बेहतरीन प्रयोग से आप पा सकते हैं दर्द और कई तरह की समस्याओं से आज़ादी। चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस गोंद का उपयोग कैसे करना है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों वीडियो से बने रहिए और वीडियो अंत तक देखिएगा, और ये जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिए कीजिए, है ना। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो हमारा मोटिवेशन अप होता है। दोस्तों इस वीडियो में जो आपको रेमेडी बताने वाला हूँ ये बहुत ही पावरफुल है, ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, घुटनों की हड्डियाँ उठते बैठते चलते समय आपस में टकराती हैं जिसके कारण तेज दर्द होने लगता है, उसमें से कटकट की आवाज़ आती है, शरीर में ज़्यादा वात बढ़ गया है, शरीर में कमजोरी बढ़ गई है ना, काम करने का मन नहीं करता, थोड़े से ही काम करने में आप थकान महसूस करते हैं, वीरियबल कमजोर हो गया है, तो इस औषधि को देखिए, इस औषधि का आपको सेवन करना है। यह दोस्तों गोंद, इसे कीकर का गोंद और बबूल का गोंद भी कहते हैं। खासकर इन सर्दियों के मौसम में गोंद का सेवन हर किसी को करना चाहिए, चाहे आपके शरीर में कोई बीमारी हो या ना हो। जो इंसान इस गोंद का सेवन पूरे सर्दी भर में कर लिया, वो इंसान पूरे साल स्वस्थ और मजबूत रहता है, वीरियबल बना रहता है, चुस्ती फुर्ती स्फूर्ति पूरे साल बनी रहती है, और शारीरिक दर्द, कमर दर्द, घुटनों के दर्द से छुटकारा मिल जाता है। आइए किस तरह से इसका सेवन करना है मैं आपको बता दूं। इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पैन ले लीजिए, उसे गैस के ऊपर गर्म होने के लिए रख दीजिए, और फिर इसमें 4 से 5 चम्मच देशी घी डाल दीजिए। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच बबूल के गोंद को डालकर इसे घी में तलकर निकाल लीजिए। देखिए जब आप तलेंगे तो ये इस तरह का दिखेगा, ये पॉपकॉर्न की तरह हो जाएगा। इसे तलने के बाद थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए, और फिर इसका क्या करना, आपको पाउडर बना लेना है, इसे पीस लेना है। आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए आपको 1 गिलास गुनगुना दूध लेना है। दूध बॉयल करके थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब ये गुनगुना रह जाए तो इस दूध में आपको 1 चम्मच इस गोंद के पाउडर को मिलाना है और इसे अच्छे से घोल लेना है। मिठास के लिए आप इसमें गुड़ या फिर मिश्री मिला सकते हो। गुड़ वे लोग मिलाए जिन्हें वात से संबंधित प्रॉब्लम है, यानी जिनको घुटनों में, कमर में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द की प्रॉब्लम है, वे लोग इसमें गुड़ डालकर पिएं। और जिन्हें शारीरिक कमजोरी है, ताकत बढ़ाना चाहते हैं, स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं अपनी, तो वे लोग इसमें मिश्री ऐड करके पिएं और लगातार कम से कम 15 दिनों तक इसका सेवन करें। आपको कुछ ही दिनों में खुद में फर्क दिखने लगेगा। आप इस दूध का सेवन रात को सोने से पहले कर सकते हो या फिर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास ले सकते हो। दोस्तों यह आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए पावरफुल है। इसका इस्तेमाल महिला, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद भी महिलाएं इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और हड्डियों की मजबूती के लिए उन्हें ये गोंद वाला दूध दिया जाना चाहिए, या फिर उन्हें गोंद की लड्डू बनाकर खिला सकते हैं। इसके अलावा एक उपाय और है जिसका सेवन आपको लगातार 1 महीने तक करना है। जी हाँ, ये रेमेडी आपके शरीर में वात को बैलेंस में रखेगी। जैसे कि आपको पता है कि शरीर में वात बढ़ने से जोड़ों में, घुटनों में दर्द होता है। अगर आप चाहते हैं कि शरीर से वात कम हो जाए तो ये उपाय जरूर करें। तो हमारे पास वात को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके लिए आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच मेथी दाना। इसके अलावा आपको डालने हैं इसमें 25 से 30 दाने किशमिश के। जी हाँ, किशमिश और मेथी को पानी में भिगो कर रख देना है और रात भर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, और सुबह जब आप देखोगे तो मेथी और किशमिश दोनों ही फूल जाएंगे, और दोनों को आपको सुबह सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाना है, इत्मीनान से खाना है, और ऊपर से जो बचा हुआ पानी है उसे भी पी लेना है। आपको रात को या फिर शाम को गोंद वाला दूध पीना है और सुबह खाली पेट मेथी और किशमिश का सेवन करना है। तो इस रेमेडी का सेवन लगातार 1 महीने तक करना। दोस्तों जिनको भी शारीरिक कमजोरी है, थकान आलस है, शरीर में खून की कमी है, वे लोग भी मेथी और किशमिश का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको पिंडलियों में दर्द, हाथ पैर, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, अर्थराइटिस, गठिया की प्रॉब्लम है, वे लोग भी इन दोनों ही रेमेडी को फॉलो करें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो जानकारी कैसे लगी आप हमें कॉमेंट्स में बताना, और जरूर जाते जाते इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
थैंक यू।